केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के योगा विभाग को कांगड़ा शिफ्ट करने के विरोध में एबीवीपी लामबंद हो गई है, जिस पर एबीवीपी ने वीरवार को इकाई अध्यक्ष ऋतिक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इकाई अध्यक्ष ने कहा कि पहले सीयू का संचालन शाहपुर में एक आंगनबाड़ी की तरह किया जाता था, इसके बाद धर्मशाला और देहरा में सीयू का संचालन शुरू किया गया। अब योगा विभाग को कांगड़ा के हॉस्टल में शिफ्ट किया जा रहा है। योगा विभाग में पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला का अपना भवन न होने के चलते स्टूडेंट्स को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। धर्मशाला कैंपस में 800 के करीब छात्र छात्राएं शिक्षारत हैं, जिनके लिए लाइब्रेरी की क्षमता 20 से 30 ही है, जबकि शौचालयों की हालत खस्ता है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बार बार सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बातें कही जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने आरोप लगाए कि पहले से ही सीयू में चल रहे कोर्सेज के लिए प्रशासन के पास कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था नहीं है और सीयू में नए कोर्स शुरू करने की बात कही जा रही है। तो जैसा कि मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरुआत से ही मूलभूत सुविधाओं के लिए जो विश्वविद्यालय में लड़ता रहा है, तो एक तो मेन मुद्दा जो विद्यार्थी परिषद का है वो है कैंपस के निर्माण का, और ये जो मुद्दा है कैंपस का निर्माण का, इसी कारण मूलभूत सुविधाएं जो विद्यार्थी को नहीं मिल पाती हैं, चाहे शौचालय की हमने बात की है, चाहे लाइब्रेरी की बात की है, जहां 700 से 800 स्टूडेंट्स इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में अगर हम बात करें तो 20 या 30 की कैपेसिटी लाइब्रेरी में है, तो 700 स्टूडेंट्स के लिए 20 और 30 की कैपेसिटी जो है वो मेरे हिसाब से बहुत कम है। और एक मुद्दा जो इस वर्ष यहाँ पे आ रहा है कि जो हमारा MA योगा का जो डिपार्टमेंट है उसे कांगड़ा शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो देखो पहले से ही यूनिवर्सिटी जो है वो एक आंगनबाड़ी की तरह चलाई जाती थी, शाहपुर में, देहरा में और धर्मशाला में इसका कैंपस चलता था, लेकिन अब कांगड़ा बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट करने की अगर ये बात कर रहे हैं, तो MA योगा एक ऐसा विभाग है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है, तो अगर विद्यार्थियों को कांगड़ा शिफ्ट करने की बात ये प्रशासन कर रहा है, तो क्या वो मूलभूत सुविधाएं जो विश्वविद्यालय में होनी चाहिए वो कांगड़ा में इन्हें मिल पाएंगी? कांगड़ा में जो इनका कैंपस इनको मिल रहा है वो कांगड़ा से भी दूर है। अगर विद्यार्थियों ने यहाँ पर रूम लेके रहता है, क्या एक घंटा सफ़र करेगा? क्या वहाँ पर रूम्स की व्यवस्था विश्वविद्यालय ने कर पाएगा? क्योंकि अगर हम बात करते हैं योगा के जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम ने यहाँ पे रूम लेके रखा है, तो अगर एक घंटे का सफ़र वो वहाँ पे करता है जाने का आने का, तो उसमें उसका टाइम वेस्ट होता है। और अगर लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो क्या उस कैंपस में लाइब्रेरी की व्यवस्था ये विश्वविद्यालय कर पाएगा? तो इन्हीं को लेके हमारा जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, मांग विश्वविद्यालय को पूरी करनी होगी, क्योंकि एक ऐसी मांग है जो कि स्टूडेंट्स के लिए मांग है। अगर स्टूडेंट्स के हित पे अगर कोई निर्णय विश्वविद्यालय नहीं लेता है, तो विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र धरना प्रदर्शन भी करेगा। भूख हड़ताल करने का अगर हमें मिलता है तो हम भूख हड़ताल पर भी आएंगे, लेकिन इस कैंपस को यहाँ से शिफ्ट होने से रोकना हमारा मेन मुद्दा रहेगा। देखिए, विश्वविद्यालय समय समय में बोलता है कि हम आपको सुविधाएं देंगे, कि सुविधा के नाम पे झूठे वादे विश्वविद्यालय करता आ रहा है। चाहे बात करें लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी में क्या कहा जाता है कि कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन आज तक लाइब्रेरी में कैपेसिटी नहीं बढ़ी। शौचालय की सफाई नियमित रूप से अभी तक नहीं हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, जैसे इस वर्ष BCom का जो कोर्स है वो यूनिवर्सिटी में आ रहा है, जिसके लिए हम विद्यार्थी परिषद की ओर से शुभकामनाएं भी इस यूनिवर्सिटी के लिए देते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस बेसिस पे आप नए कोर्सेज जो है यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जब पुराने कोर्सेज के लिए ही अभी क्लासरूम्स विश्वविद्यालय जो है वो नहीं दे पा रहा है। MA योगा का जो विभाग है पिछले कई वर्षों से यहाँ पर चल रहा है, अगर नए कोर्सेज विश्वविद्यालय ला रहा है तो उससे पहले रूम्स की व्यवस्था विश्वविद्यालय करे, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मांग है।